नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 8 जुलाई से शुरू होगा सत्र, तो हम इस वीडियो में डिटेल्स जानेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें क्योंकि 8 से 26 जुलाई तक मध्य प्रदेश की जनता की नज़रें विधानसभा मानसून सत्र पर रहेंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत 8 जुलाई से होगी। इसके लिए समय तय कर दिया गया है, यह 8 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश की कमलनाथ सरकार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का सामना करने से कतरा रही है। कमलनाथ सरकार ने अभी तक का सबसे छोटा बजट सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। 8 से 26 जुलाई तक आहूत होने वाले सत्र में मात्र 15 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने 20 दिन का सत्र आहूत करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय ने घटाकर 15 दिन कर दिया है। ऐसा लगता है कि कमलनाथ सरकार विधानसभा का सामना करने से डरी हुई है। विधानसभा में बजट सत्र ही ऐसा सत्र होता है जिसमें प्रदेश के जनहितैषी मुद्दों पर व्यापक चर्चा होती है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सरकार की खामियों को गिनाने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बजट सत्र 40 से 45 दिन का होता था। शिवराज सिंह की सरकार आते आते बजट सत्र घटकर 20 से 22 दिन का रह गया। वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे मात्र 15 दिन का कर दिया है। 8 से 26 जुलाई तक आहूत बजट सत्र में मात्र 15 बैठकें होंगी। इसमें भी पहला दिन श्रद्धांजलि में चला जाता है। कुल 14 बैठकों में सदस्य विभिन्न विभागों के बजटों पर चर्चा करेंगे या जनता के मुद्दों को उठाएंगे। तो दोस्तों, 8 जुलाई से 26 जुलाई तक मध्य प्रदेश की जनता की नज़र मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र पर रहेगी। देखते हैं इस मानसून सत्र पर क्या चर्चा होती है। तो आप बने रहें न्यूज़ टुडे पर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ खबरें मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका